पर काया प्रवेश और मृत्युंजय मंत्र, ये शब्द, ये संकल्पना हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए नए नहीं है। मान लीजिए यह दोनों संकल्पना आज 21वीं शताब्दी की दहलीज पर अचानक सत्य प्रमाणित हो जाते हैं तो बाबा चमत्कार मोक्ष धाम। तात्या 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 बिच्छू तात्या बिच्छू ता बाबा 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 घबरा गया। मुझसे घबरा गया। तात्या बिच्छू से कौन नहीं घबराता। बाबा चमत्कार। मैं आ गया। वाह 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 वाह। गुनहगार जगत का बादशाह, दहशत फैलाकर कोहराम मचाने वाला नराधम, आओ पधारो बाबा की इस गुफा में। तुम दोनों का स्वागत है। विराजमान भव। मेरे पास टाइम नहीं है। आज तुम मुझे दीक्षा देने वाला था मृत्युंजय मंत्र की। अरे मूर्ख बालक, तुझसे कितनी बार कहा है ये दीक्षा यो खड़े खड़े नहीं दी जा सकती। उसके लिए तुम्हें यहां ध्यानस्थ बैठना होगा। दो महीने से तू मुझे टरखा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता तू मुझे दीक्षा दे रहा है कि भिक्षा। चुप नादान बालक। मृत्युंजय मंत्र की दीक्षा लेना बैंक लूटने जैसा कोई आसान काम नहीं है, समझा। अरे तू अमर होना चाहता है ना, तो फिर थोड़ा सा धीरज भी रखना होगा। छी, अरे मां के पेट से जन्म लेने के लिए भी तुझे 9 महीने रुकना पड़ा होगा चांडाल। मैं रुक नहीं सकता। पुलिस मेरे पीछे है। मैंने तुझे पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं। तू मुझे दगा देने की कोशिश मत कर। आज तू मुझे मृत्युंजय मंत्र देता है या मैं तुझे मृत्यु यात्रा पर रवाना करूं। ठीक ठीक ठीक। तू पिस्तौल के घोड़े पर सवार होकर आया है तो आज तुझे दे ही देता हूं मृत्युंजय का मंत्र। चला ऊपर आ। भम 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 मृत्युंजय 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 मृत्युंजय। मृत्युंजय का मंत्र अब संचार रहा हूं। जैसा मैं बोलता हूं वैसा तू भी बोल। चल शुरू कर। तू हाथ क्यों हिलाता है? वो सब मैं करूंगा, तू सिर्फ मंत्र बोल। एम भग भुजे भगनी भगोदरी भगमासे यौवनी ओम फट स्वाहा। एम भग
रघुवे भगनी भागोदरी भगमा से यौनी ओम भक्सा मृत्युंजय मंत्र की दीक्षा आज मैंने तुझे दी और तू अब अमर हो गया है। पर तात्या, इस मंत्र का उपयोग कैसे करना चाहिए एक बार ठीक से समझ ले। बोल। जब भी तुझे ऐसा लगे कि तेरी मृत्यु करीब आ गई है तो उस समय तुझे एक सजीव तथा निर्जीव व्यक्ति की छाती पर हाथ रखकर इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करना होगा। कितनी बार? 3 बार। शाबाश। फिर ऐसा करने से तेरी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करेगी। मगर तात्या, ध्यान रख, केवल मरते समय ही इस मंत्र का उपयोग करना होगा। याद रखना, सबसे महत्व की बात यह है कि अगर तेरी 2 भवों के बीचों बीच कोई जबरदस्त आघात पहुंचा तो फिर इस मंत्र का उपयोग होगा ही नहीं। जा, तेरा कल्याण हो गया, तू अमर हो गया। उबड़ा, उबड़ा। मैं अमर हो गया। सुनो, सभी लोग चौकन्ने रहना। ये सर, मैं हेडक्वार्टर से जा रहा हूँ। ये सर, कमिश्नर साहब, तात्या बिच्छू का कुछ पता चला क्या? नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है। तात्या बिच्छू ने शहर में हंगामा किया, पुलिस खामोश क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, चारों ओर नाकाबंदी कर दी गई है। पिछले 6 महीने से हम यही सुन रहे हैं। बच्चों की बलि, स्त्रियों का बलात्कार, ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, इस वक्त मैं आप लोगों को एक आश्वासन दे सकता हूँ। आश्वासन नहीं, रिजल्ट चाहिए। शांति शांति शांत हो जाइए प्लीज। देखिए, तात्या बिच्छू का केस हमने एक काबिल पुलिस ऑफिसर को सौंप दिया है। उसका नाम है CID इंस्पेक्टर महेश यादव। और हमें विश्वास है कि किसी भी क्षण इंस्पेक्टर महेश यादव तात्या बिच्छू के अड्डे पर छापा मार सकता है। ड्राइवर, तो कहाँ है महेश यादव? इंस्पेक्टर महेश, तुम मुझे पकड़ेगा? अरे साक्षात यमराज आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मृत्युंजय मंत्र है अब मेरे पास। ओम भक् स्वाहा। तत्या, हाथों में बेड़ियां पड़ने के बाद तेरे मृत्युंजय मंत्र का क्या उपयोग होगा?
जेल में चूहों पर प्रयोग करना उसका। ओम फट उड़ा। मृत्युंजय मंत्र का मजाक करने का नहीं। चुक 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 चुक। पर तात्या, मृत्युंजय मंत्र तो तेरे पास है, हमारे पास क्या है? ठीक है, यहाँ का माल हटाओ, दूसरे अड्डे पर। ओम फट स्वाहा। Ah!
यहाँ से। हेडक्वार्टर्स, इंस्पेक्टर महेश जाधव बोल रहा हूं। तात्या बिच्छू का खेल खत्म हो गया है। उसका साथी कुबड़ा खबीज मेरे कब्जे में है और तात्या बिच्छू को मैंने खुद गोली मारकर खत्म कर दिया है। तात्या बिच्छू मर चुका। तात्या बिच्छू इज डेड। लगता है पूरे गांव के लोग आ गए। नमस्कार, बैठिए बैठिए, आइए आइए। हाँ सज्जनों बैठो, धनाजी राव के आने से पहले अपनी अपनी जगह ले लीजिए। बैठिए बैठो बैठो, अरे बैठ। हाँ तो सज्जनों, आपको तो मालूम ही है कि हमारे गांव के सुप्रसिद्ध जमींदार धनाजी राव धनवटे का आज जाहिर सत्कार है। तालियां। यह सत्कार किस लिए तो सुनिए, उन्हें ग्राम सुधार समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तालियां, जोरदार तालियां। धनाजी राव को लाने के लिए हमारे सरपंच उनके पास गए हैं। तब तक आपका टाइम पास करने के लिए अपने गांव के सबके लाडले लक्ष्मीकांत बोल के आपके सामने अर्धवट राव के साथ आ रहे हैं। नमस्कार मंडई। आइए बाबला जी। हाँ तो मित्रों, इस खेल में केवल बाबला बोलता है, मगर असल में बाबला तो सिर्फ मुंह ही हिलाता है और उसके पीछे से लक्ष्मीकांत बोल के बोलता है और ऐसे लगता है कि जैसे बाबला ही बोल रहा हो। सारे खेल का मजा बिगाड़ दिया है, क्या कर रहे हो? खेल का सीक्रेट बता दिया तुमने, जा जाके वहां पर जा। तो भाइयों, अभी आपके सामने पेश हो रहा है अर्धवट राव कार्यक्रम। अर्धवट राव, अर्धवट राव कहाँ देख रहे हो तुम? मैं आरती को ढूंढ रहा हूँ। टोपी वाले नीचे बैठ। नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। ए, ओ देख आरती। आरती। लक्षा। हाय, हाय। ए, आरती का बाप चढ़ गया है। अबे कदे, आरती के बाप का नाम इज्जत से ले, तुकाराम हवालदार बोल। अरे मेरा होने वाला ससुर है वो। अरे ससरे को मार गोली, सख्या को देख कैसे आरती से चिपक कर बैठा है। ए, चांस लेता है क्या? आरती। सरपंच आ गए। सरपंच आ गए, किधर है वो देखो। आइए आइए, नमस्ते। आइए आइए। राम 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 राम। बैठो बैठो। बैठेंगे बैठेंगे, तुझे क्या करना है, चुप। तो सज्जनों, सरपंच जी ने धनाजी राव को यहाँ बुलाया है, हम उनका स्वागत करेंगे। तो मेरे श्रीरंगपुर के रहवासी भाइयों, चुप। आज का महत्वपूर्ण प्रोग्राम यानी धनाजी राव का सत्कार। सत्कार की धिक्कार। लक्षा, ये क्या बदतमीजी है? मैं कहा, ये अर्धवट राव ही बोल रहा है, आप उधर ध्यान मत देना। ए चुगलखोर, बीच बीच में बोल मत। हाँ तो सज्जनों, आपके माननीय धनाजी राव आपकी गांव सुधार समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। पैसे दबाकर। अच्छा लक्ष्या। हाँ धन्य। आज उनके उम्र के 60 साल पूरे हो गए हैं। 60 गया, सठिया गया। लक्ष्या, आप उधर ध्यान मत दो। ध्यान मत दीजिए। तो आज उनका सत्कार है, अरे उनके गुणों का वर्णन हम क्या करेंगे? गुणों का या गुना होगा? आप ध्यान मत दीजिए। इनके जैसा दानवीर पुरुष पूरे गांव में नहीं मिलेगा। दानवीर नहीं, कंजूस मक्खी चूस। इन्होंने गांव के लोगों के लिए घर बनाए डबल भाड़ा लेकर। गांव में पाठशाला बनाई
बच्चे नाबास हो गए। गांव में क्रेडिट बैंक शुरू की, बैंक का निवाला निकल गया। लक्षा आप उधर ध्यान मत दो, ये पागल है, पागल है तुम्हारे जैसा। आज तक उन्होंने कई काम किए हैं, सारे काम उल्टे पुल्टे, फिर भी इस उम्र में उनका शरीर कैसा हट्टा कट्टा है। सिर्फ दो बार हार्ट अटैक आया था बस। सरपंच ये मेरा सत्कार है या धिक्कार? अच्छा चुप बैठो, हम तो बैठे हुए ही हैं। तो मित्रों अब मैं समस्त गांव वालों की तरफ से श्री धनाजी राव को हार पहनाता हूँ। क्या निकाल रहे हो? अरे हार बड़ा है ना, निकालने को टाइम लगता है। टाइम लगता है, टाइम लगता है, जल्दी जल्दी। हार निकला चुका। धनाजी राव ने गजरा पहना है। आप उसकी ओर ध्यान मत दो। अरे वो क्या है मालूम है क्या? वो हार है ना, उनके सर से छोटा है, दिमाग भी छोटा है उनका। लक्षा मैं तेरे को देख लूंगा। ए माए माँ रोटी सेक रही है, चलो अर्धवट राव अब खाना खाएंगे, आप यहाँ बैठेंगे, ठीक तरह से बैठना है। तुझे क्या बोलूं माँ, दुकान में एक भी ग्राहक नहीं है, पूरे दिन मक्खियां मारता था, बियर बार डालता ना तो अच्छा हो जाता, लाइन लग जाती। अर्धवट राव अब दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। लगता है सुखी भाजी की पतली भाजी हो गई। हाँ चुपचाप खाना खा। खा रहा हूँ ना, ना किसने कहा। माँ खाना इतना ठंडा और तू इतनी गर्म क्यों? ए माँ अरे वो धनाजी राव आया था, 6 महीने का किराया बाकी अपने सर पर, और तू उसका मजाक उड़ाता है, वो भी 4 लोगों के बीच में। 4 लोगों के बीच में नहीं, बहुत सारे लोग थे, है कि नहीं अर्धवट राव? देख लक्षा इसके आगे अगर तू नहीं सुधरा तो मैं कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगी, बोल देती हूँ तुझे। हाँ कुएं में पानी की तरह है। चुप मुर्दा कहीं का नहीं, इसी मुर्दे के कारण एक दिन खड्डे में जाएंगे हम सब। हम सब खड्डे में जाएंगे, तू जा खड्डे में, हम सब किले में। नहीं 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 मां, घंटी बज गई इसका मतलब ग्राहक आ गया, जाना पड़ेगा बाबा। आज तो बच गया पर आगे नहीं छोड़ूंगी तुझे। हाँ घंटी बज गई इसलिए बच गए, नहीं तो आज अपनी घंटी बज गई थी क्या? आया आया आया। कोई है कि नहीं दुकान में? कब से घंटी बजा रही हूँ। अरे आ रहा हूँ बोला। अरे अरे अभी आ गया ना, घंटी क्यों बजा रही हो? बोलो क्या चाहिए। आइए अर्धवट राव आइए, बैठिए यहाँ बैठिए, आराम से बैठिए। बोलो क्या चाहिए। ये पर्ची लो और सारा सामान दो। दे रहा हूँ, चिल्लाती भी इतनी। 1 किलो शक्कर, 5 किलो घी का डब्बा। इतना घी खाओ मत भाई, और मोटी हो जाओगी। अब नहीं हो, घी का डब्बा नहीं ऐसे बोल रहा है, 5 किलो घी, 1 बाम की बोतल। पति के माथे पर लगाने के लिए क्या? रक्षा क्या है? ऐसी बदतमीजी की तो दूसरी दुकान पर चली जाऊंगी, बोल देती हूँ। दूसरी दुकान में क्या मिलेगा तुम्हें? सब कुछ मिलता है। सब मिलता है तो मत जाओ भाई, ये सब मजाक है ना, ये कर रहा है, मैं कुछ नहीं किया। मुझे सब मालूम है कौन बोलता है, धनाजी राव के सत्कार में गई थी मैं। हाँ, वो खाट पे बैठी थी। अरे इनको सब मालूम है, इनका मजाक मत करना। कर रहा है ना तू? और क्या चाहिए? 2 साबुन की टिकिया। आज नहाने का इरादा लगता है क्या रे? अरे नहीं, मेरी बात सुनो, अरे क्या हुआ? पूछ अपने लाडले से, इस बाबले के मुँह से क्या क्या बुलवाता है। अच्छा क्यों रे मुर्दा, मैं ये मस्करी कर रहा था। मस्करी ग्राहक से मस्करी? हाँ। पर्ची दे यहाँ है, जो भी चाहिए घर पर भेज दूंगी, पैसे बाद में दे देना। और मेरे बेटे को माफ कर, माफ कर दो। तू बोलती है तो माफ करती हूँ, ये ले और अपने लाडले को समझा दे कि ये बाबले का खेल बंद कर दे, नहीं तो एक भी ग्राहक नहीं आएगा तुम्हारी दुकान पर। हाँ हो गया तेरा कलेजा ठंडा, हो गया तेरा कलेजा ठंडा। सत्यानाश हो तेरा मुए, मैं बोलती हूँ ये तुझे कैसा शौक लगा है बाबले का। हा? नहीं माँ ये शौक नहीं है, ये बोलते बाबले का खेल है। बोलता है माँ? माँ ये मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है। गुरु हा? कौन सा गुरु? स्वामी रामदास पादे बुआ। जय पादे बुआ। ऐसा मुझे मिलने दे तेरे गुरु को, चप्पल से मारूंगी उसे। ए, मेरे गुरु के बारे में ऐसा मत बोल, बहुत बड़ा आदमी हो। उनके बाबले का खेल अमेरिका में होता है, मैं भी पॉपुलर होने के बाद अमेरिका जाऊंगा। ए लक्ष्या देख,
तू जा या मत जा, पर पहले तेरे बाबला को अमेरिका भेज दे। बहुत सर में दर्द किया उसने मेरे। इसे अमेरिका भेज दू? अरे अमेरिका से एक बाबला यहाँ पे आ रहा है। मतलब क्या है? तेरे भांजी का खत आया है। अरे किसका? गौरी का। लक्ष्मीकांत, मैं तेरे लिए बाबला भेज रही हूँ। अरे उसे क्या जरूरत है दूसरा बाबला भेजने की? और लिखा है मामी को कहना बेसन के लड्डू तैयार करके रखना, मैं जल्दी ही भारत आ रही हूँ। गौरी वापस आ रही है? अरे कब? क्या तू कल इंडिया आ रही है? गुड 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 गुड। कौन सी फ्लाइट से? अच्छा मतलब शाम 5 बजे तू पहुंच जाएगी। ओके। और सुन बेटी, मैं तुझे रिसीव करने पर्सनली एयरपोर्ट पर आ जाऊंगा, ठीक है? ओके, सी यू टुमारो। टिल देन बोन वॉइस। क्या है? तात्या बिच्छू की फाइल सर। अरे सिर्फ फाइल लेकर आए हो? मैंने महेश जाधव को बुला लाने के लिए कहा था ना। यस सर। कहां है महेश जाधव? सर आपको घाटगे साहब ने बुलाया है सर। रख दो रिवॉल्वर, रख दो। कम ऑन। मे आई कम इन सर? यस कम इन। गुड मॉर्निंग सर। ओहो इंस्पेक्टर महेश जाधव, कांग्रेचुलेशंस। तात्या बिच्छू को मार डालने पर अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच सर। बैठो बैठो। थैंक यू सर। इस वर्ष के राष्ट्रपति पदक के लिए डिपार्टमेंट ने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। क्या? थैंक यू सो मच सर। मैं डिपार्टमेंट का रिन्यू सर, और आपका भी। आपके मार्गदर्शन से ये सब संभव हो सका सर। अरे इसमें मेरा कुछ भी नहीं, सब तुम्हारी मेहनत है। वैसे पिछले कई वर्षों से मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तात्या बिच्छू और उसका साथीदार, क्या नाम है उसका? कुबड़ा खबीस सर। क्या भयंकर नाम है इन लोगों के, तात्या बिच्छू, कुबड़ा खबीस। तात्या बिच्छू तो मर गया, और वो कुबड़ा खबीस? वो अधमरा हो गया सर। कुछ बोला क्या? नो सर, बट सर मैं उसे बोलने पर मजबूर करके रहूंगा। वेरी गुड। मतलब तब तक ये फाइल क्लोज नहीं की जा सकती? क्लोज? अभी तो सही अर्थों में ये फाइल ओपन हुई है सर। यू आर राइट। एक्सक्यूज मी, एसपी खाटगे। गुड मॉर्निंग सर। क्या सर? यस सर, हाँ मैं कल आपसे मिलूंगा सर, आपके ऑफिस में शाम को 5 बजे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कोई गुड न्यूज है सर? मुझे प्रमोशन मिला है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। फैंटास्टिक, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। पोस्टिंग? कल पता चलेगा, कल साहब के साथ मीटिंग है 5 बजे। माय गॉड, अरे कल साहब के साथ मीटिंग है, मगर मुझे तो एयरपोर्ट पर जाना था। एयरपोर्ट पर? अरे मेरी बेटी गौरी कल आ रही है अमेरिका से। कल शाम 5 बजे? सर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव कर सकता हूं। अरे मगर तुम उसे पहचानोगे कैसे? उनके नाम का एक बोर्ड बनाऊंगा सर, मिस गौरी खड़गे प्लीज। गुड गुड। अरे फिर तुम्हारी ड्यूटी का क्या होगा? फिलहाल तो मेरी एक ही ड्यूटी है सर, कुबड़ा खबीस से सच्चाई उगलवाने की। बोल, तात्या बिच्छू का दूसरा अड्डा कहाँ है? सारा माल कहाँ छुपा रखा है? उसके दूसरे साथी कौन है? बोल। नहीं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। जान जाएगी तब भी नहीं बताऊंगा। ध्यान से सुन, इसका बदला तात्या बिच्छू जरूर लेगा। इडियट शिंदे। यस सर। इस मूर्ख को मालूम नहीं तात्या बिच्छू मर चुका? नहीं, तात्या बिच्छू मरा नहीं, वो जिंदा है। उसके पास मृत्युंजय मंत्र है, उसे कोई नहीं मार सकता। शट अप, शट अप। गौरी कहीं दिखाई देते हैं क्या तेरे डैडी? नहीं तो, कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। कमाल है तेरे डैडी की भी, आने के लिए कहा था ना, किसी दूसरी लड़की को लेकर तो नहीं चले गए ना? डोंट टॉक रिडिकुलस। मुझे लगता है शायद डैडी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है। मैं फिर से देख रहा हूँ डैडी को। नहीं रहने दे, चाबी दे। चाबी? हाँ गाड़ी की चाबी। मतलब तू गाड़ी चलाएगी? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। कम ऑन कम ऑन, गेट इट सून। आई डोंट वेस्ट टाइम, कम ऑन। मैंने तुमसे कहा था ठीक 5 बजे मुझे याद दिलाना, इडियट।
Damn it. You idiot, stupid. Damn it. You? Oh, mister, गाड़ी चलाते हो या घोड़ी चलाते हो? यही सवाल मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ. टर्निंग पर गाड़ी स्लो चलानी चाहिए, आपको नहीं पता? अरे वाह, चोरी और सीना सॉरी. मैडम, जबान संभाल के बात करो. अरे वाह, ये तो अपने को ही डांट रहा है. शट अप. ओ मिस्टर, तुम्हारा लाइसेंस दिखाना. लाइसेंस क्या देखती हो, मेरे पास वक्त होता तो बहुत कुछ दिखा देता तुम्हें. मैं कौन हूँ मालूम है तुम्हें? नहीं, पर अपना फोन नंबर देकर रखना, जरूर कॉन्टेक्ट करूंगा. ओके, तुम पहले बाहर निकलो, मैं तुमको पुलिस के हवाले करूंगी. तुम क्या मुझे पुलिस के हवाले करोगी? हा? पुलिस स्टेशन का पता मुझसे ले लेना. हट जाओ. अरे ठहरो ठहरो, चला गया. इसके गाड़ी का नंबर नोट करो. अरे जल्दी करो, निकल गया, जल्दी से नोट करो नंबर. क्या है? DLD 6154. नहीं नहीं, DLD 6154. अरे तू मेरा दिमाग मत घुमा, चल गाड़ी में बैठ. गौरी सुनती क्यों नहीं है? मैं डैडी 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 कहाँ है? गौरी गौरी डैडी. I'm fine, Daddy. पर मैं आपसे बहुत नाराज हूँ. आप एयरपोर्ट पर मुझे लेने क्यों नहीं आए? अच्छा हो ये सीमा आ गई थी. गुड 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 गुड. क्या मैं कितनी परेशान हो गई थी मालूम है? यानी महेश नहीं आया? कौन महेश? CID इंस्पेक्टर महेश जाधव, उसको भेजा था एयरपोर्ट पर तुझे रिसीव करने के लिए. डैडी CID क्या मामूली हवलदार तक नहीं आया, और इस पर क्या हुआ मालूम है? एक कार वाले ने हमारी कार को करीब करीब टक्कर मार दी, और ऊपर से मुझसे झगड़ने लगा. इतना जंगली और झगड़ालू आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा. तो फिर उसकी गाड़ी का नंबर लेना था ना? लिया तो है. क्या है नंबर? DLD 5165. नहीं नहीं, DLD 6154. हाँ नहीं यार, एक मिनट मुझे टेलीफोन लेने दो. ठीक है, मगर मैं तुमसे कहती हूँ मुझे मिलने दो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं. हाँ हेलो, मैं महेश बोल रहा हूँ सर. हाँ बोल महेश. सर मैं एयरपोर्ट पर गया था, लेट हो गया सर. अरे डोंट वरी महेश, गौरी घर आ गई है, सेफ एंड साउंड. मोर साउंड देन सेफ. आपकी पोस्टिंग हो गई सर? हाँ. कहाँ? श्री रंगपुर में. वी विल मिस यू सर. एनीवे सर, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट. ओके बाय सर. बाय. डैडी, अभी आप श्री रंगपुर के बारे में क्या कह रहे थे? अरे मेरी बदली हो गई है श्री रंगपुर में. आई एम प्रोमोटेड. वाओ रियली? हाँ. Now I have become SP. Congratulations. Congratulations, uncle. Thank you. That reminds me, मुझे एक टेलीफोन करना है. सीमा, तुझे मालूम है श्रीरंगपुर में मेरी मामी रहती है, और मेरा मोसेरा भाई है ना लक्षा, उसे बोलते हैं बाबले का बहुत शौक है. Come, Dad. अरे हाँ डैडी, मैंने लक्षा को अमेरिका से बाबला भेजा था, उसने लेटर में कुछ लिखा है क्या? नहीं गोरी. नहीं? सरप्राइजिंग, यानी लक्षा को अभी तक वो बाबला मिला ही नहीं. मक्खिया मक्खिया मक्खिया, क्या मारी, सुबह से मक्खिया मारते बैठा हूँ, एक भी ग्राहक नहीं आया. माल को फफूंदी लगने का समय आ गया. अर्धा उठा लो. क्या बैठ, ग्राहक आ गया. ग्राहक आइए शबरा जी, आइए. कैसे चल रहा धंधा पानी? जबरदस्त, ग्राहकों की लाइन लगी है सवेरे से. ये गुड़ कैसे दिया? 32 रुपया. 32 रुपए. और ये निर्मा पाउडर? 10 रुपया. ठीक है, वैसे 100 रुपए का छुट्टा मिलेगा? कहाँ से भी लाऊंगा, बोलो क्या दू? एक माचिस चाहिए. माचिस? हाँ. एक माचिस के लिए 100 रुपया लेकर आया. ये लो अपने मुंह को आग लगाओ, जाओ. शुक्रिया. सुबह से एक ग्राहक आया और लेके क्या गया? माचिस, वो भी फोकट फोकट. अरे माचिस का बजट है. कैसी चली गई ये दुकान? बोलिए अर्धा उठ रहा, बोलिए. तुम कैसे बोलोगे? तुमको बुलाने वाला हम मैं हूँ ना, मेरे बोले बिना बोल ही नहीं सकते. एक दर्जन निर्मा 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 लक्षा. तुम बोलते नहीं रहे हो? वो कैसे बोलेगा, मुझे एहसास हो रहा है मैं भी पागल हूँ. रानी साबुनी से ना ये लक्षा. सचमुच अर्धौटरा बोल रहा है? ए लक्षा, मैं बोली. आरती तू है क्या? मैं समझा मेरा अर्धवटराव बात कर रहा है. लक्षा, ये अर्धवटराव कैसा बोलते है जरा मुझे भी दिखाना. ए आरती, इधर नहीं, अंदर चलना. अंदर? हाँ. नहीं बाबा. क्यों? तेरी माँ गुस्सा होती है. हाँ. उसे मेरा यहाँ आना पसंद नहीं. मेरी माँ तो नहीं है घर में, हो गई है पापड़ बेलने. चल अंदर. चल. वो क्या है, बाहर दिखाऊंगा ना तो पोल खुल जाएगा ना मेरा. आ जा आ जा आ जाओ आ जाओ. बैठ 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 बैठ. दिखा क्या? अरे तेरा बाबला कैसा बोलता है वो? मगर तू पहले वचन दे. वचन? शाम को बाग में मिलने का. देखेंगे. तो फिर मेरा बाबला कैसे बोलता है वो भी बाद में देखेंगे. अच्छा दिया. ऐसे नहीं, हाथ में हाथ देकर. वो क्या है आरती? वो देख रहा है. ए क्यों रे?
क्या हुआ? वो आग नहीं मारता है। क्या रे? मैं जाती हूँ। ए पागल, वो आग नहीं मार रहा है, मैं उसे आग मारने को लगाता हूँ। मतलब कैसे? ये देखो, इसके पीछे एक तार लगे हुए हैं, मैं अंदर हाथ डालकर तार हिलाता हूँ तो ये आग मारता है, ओठ हिलाता है, गर्दन घुमाता है। फिर आप बोलता कैसे है? बोलता कैसे? अभी दिखाता हूँ। अर्ध उठ रहा हूँ, जरा बोल के दिखाओ। क्या बोलो? कुछ भी बोलो। आरती जरा नजदीक आओ ना, तुझको एक बात कान में बोलनी है। बोल बोल। हाँ, कान में बोलनी है। जाओ जाओ, घबराओ मत, अपना ही आदमी है। बदमाश कहीं का। अर्ध उठ रहा, तुमको ये शोभा नहीं देता, ये मेरी लड़की है। लेकिन मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ ना, इसलिए तुम जो चाहे वो करोगे क्या? ए आरती, कितनी सुंदर हो। तुमको क्या करना है, तुम मत देखो। लक्ष्य, मुझे सब पता है। ये सब तू ही बोलता है। ऐसे ना मालूम हो गया ना, तो टाइम की वेस्ट करो। ये ए बच्चे लोग देखा नहीं करते, उधर देख, अच्छा मेरा बच्चा। अरे लक्ष्य। अरे आरती, मैं तेरे पास बैठा हूँ, फिर चिल्लाती क्यों है? अरे पागल, मैं नहीं देख रहा ये। अरे लक्ष्या, मर गया, चुप जा, जल्दी चुप जा, मेरी माँ आ गई, चुप जा, जल्दी चुप जा, गई, कहाँ चुप गई? मेरे पीछे, मत चुप जा, बोरी में, ड्रम में, जल्दी चुप जा, मेरी माँ आ गई, जल्दी चुप जा, मैं ड्रम के साथ तुझे घर पहुँचाऊँगा, जल्दी जाना, जल्दी जा, लक्ष्या, गेहूँ 50 किलो। तू यहाँ क्या कर रहा है? बाहर ग्राहक है ना? मैं सब गिनती कर रहा हूँ, शक्कर 10 किलो बाकी है। हिसाब किताब बाद में कर, पहले दुकान पे जा। पापड़ ड्रम पे मत रखो। क्यों? कोयले का ड्रम है, पापड़ काला हो जाएगा। लक्ष्या, ये आवाज कैसी है? घुस ड्रम में घुस गई। घुस बहुत हो गया घर में, दवा मारना चाहिए। चुप। किसने छीका? घुस कैसे छीकेगी? मैं छीका, आछी। लक्ष्या, आवाज ड्रम के अंदर से आ रही है। ड्रम से आएगा, ड्रम के बाजू में खड़ा होकर छीकेगा तो ड्रम से एको नहीं आएगा, प्रतिध्वनि आछी। ये प्रतिध्वनि कुछ ज्यादा ही लग रहा है, शायद मुझे सर्दी हो गई है, दवा लेना चाहिए। डॉक्टर सजेस्ट करना, डॉक्टर। हाँ, मैं बताती हूँ तुझे डॉक्टर। चल बाजू में हट, मैं देखती तेरी सर्दी। पापड़ खाएंगे। अच्छा आरती, अरे तुम इस ड्रम में क्या कर रही हो? कमाल है ना माँ। ये तेरी घूस है क्या? देख ना कितनी बड़ी घूस है, किधर से घुसी मालूम नहीं। चुप, नाटक मत कर। तू यहाँ क्या कर रही है? चल बाहर, चल निकल। अरे आ जा। क्यों रे कमीनी, तेरे बाप ने तेरी शादी सखे हवलदार से तय की थी ना? काना हवलदार। चुप। फिर लक्ष्या से मिलने में तुझे शर्म नहीं आती? खबरदार जो तुम्हारा यहाँ आई। खबरदार, चल निकल यहाँ से। चल निकल, शाम को बगीचे में मिलना। हाँ। बगीचे में किस लिए? आम तोड़ने के लिए, अपना वो सर्दी का दवा नाक को ने खाने। पापड़। पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ मैं। क्या क्या? क्या आरती से मेरी शादी पक्की हो गई है? तो फिर शादी कर क्यों नहीं देते? कराऊंगा। कब कराओगे? तो क्या पैसे तो पहले ले लिए और आधे तक? बोल मत, कराऊंगा ना, जरूर कराऊंगा। आपके